मायरा को सडनली इल्यूजन होने लगा कि वहाँ विला के पेड़ के नीचे उनका एक थ्रोन रखा हुआ है और वो रानी बन चुकी हैं और वो हीरोइन बन चुकी हैं। भाई अच्छा लगा मुझे तुमने जो कहा। मुझे भी नहीं इनको चूज करना पड़ेगा और मैं बोल रही हूँ तुमने जो करा है। अगेन ही सेड दैट वो आप हो लाइक मैं वीक हूँ। व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? व्हाई आर यू जजिंग एवरीबॉडी? आई एम नॉट जजिंग एनीवन। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? Dude, this is my point because मैं कब से अपने आप को प्रूव करती आ रही हूँ and still you telling me that I am weak. I will feel bad. Myra, one second. वो तो पहले भी कह चुका था, फिर भी तुमने गलत से चूज किया. No. Everybody, don't come up on you. No one's coming up on you. Don't hit someone when they're down. Learn that in life. Don't hit someone when he's down. He's hitting on you. He's not hitting on you. शटअप मत बोला कर मुझे। शटअप आरती का के शटअप मत बोला कर। नहीं शटअप मत बोला कर। मैं अच्छे से बात कर रही हूँ तेरे से। क्या प्रॉब्लम है ब्रो? शटअप। अच्छे से बात कर रही हूँ ना मैं। रेस्पेक्ट। तुम रखो अपना शटअप अपने पास। मारा यही एटीट्यूड ना आपको जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम करेगी। एक के रूम में अगर मैं दूसरे के रूम में रहता हूँ तब क्लियर हो जाओ लाइफ में। I don't know what's wrong with you. तुम बहुत demeaning, disgusting हो। यार तू कहाँ है? कि एक टाइम इसके रूम में, उसके रूम में से किसी के रूम में नहीं हो मेरे को। तो क्या बोल रहे हैं ब्रो? क्या मेरा हमें? मेरे पेरेंट्स भी देख रहे हैं ब्रो शो। So you know you're not wrong, right? Why are you crying? उसकी गलती है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। That's showing her. And I'm talking to her nicely. You like shut up. Why? Don't. Simba बोलता है, हाँ you are weak. Bro. He says that. Just he can't call me weak, but he's not winning. Simba, why are you calling her weak? वो बार-बार मेरे पास आके मेरे को बोल रही है कि अच्छा देख लिया ना तुमने अब बताओ क्या मैं वीक हूँ? If you call me weak, I'll screw you up. Come show me how strength you got. Are you serious? You be clear with your words now and then say. मतलब मैं अगर कोई भी होता उस जगह पे तो I'm sure कि बहुत गालियाँ सुनाता उसको. I've been performing, he's calling me weak again. This is not how it is. तू उसको मौका भी तो दे रही है ना बार-बार। अब तो मैंने परफॉर्म किया। अब तक ही could have you know said कि हाँ no you were good. चल। This is not done यार। बता कितना बुरा लगता है जब कोई आपको weak बोलता है। अरे मत लगने देना बुरा। मत सुन किसी की मत सुन। It feels really bad. कहीं ना कहीं even I was feeling कि मैंने बहुत गलत बोल दिया उसको। So मैं जब तक उससे apologize करती हूँ उस चीज़ का, she was right on my head. You, what's your name? पता है ये आपका लेवल दिखा रहा है। Oh, watch my face, bro. I won't, bro. Please, just shut up. तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है जिंदगी से। शायद इन्होंने भी देख लिया शीशा, आपके फेस देख लिया शीशे में, इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं। What's the national of the country? What's the national of the country? Which is not like the ball. Come here, right back. Come here, face me up. Face me. मैंने लिटरली कंट्रोल किया अपने आप को। अगर वो लड़का होती तो पक्का मार खाती। कमरे में जाके तू तू जा यहाँ से भाई। ओ हमें तो जा रहा हूँ पीछे मत जाना। पीछे अगर तुम हाथ उठा सकते हो तो शायद मैं हाथ पैर दोनों उठा सकते। टेलिंग मी दैट आई एम वीक। Dude, अपना परफॉर्मेंस तो देख लो पहले। Let's Kabir and Myra have a power. The power is to risk the position of one of the ideal matches. अभी तो हम आइडियल मैच बने थे और एक दिन का हमने आइडियल मैच की पावर्स एंजॉय करी सिर्फ बैठे एंड हमारी पावर्स रिस्क पे। The only way for that ideal match to retain their position and their powers is for them to win the next test your bond challenge. Oh.
मेरी घुटने छिल छिल के पहुंचा हूं अब कोई मुझसे ये ना छीन ले. What? Are you gonna ride my name? I was thinking of. You're unsafe, right? No, I'm not unsafe. I'm an ideal man. Back massage, back. मैं आरुषि फाद और अनुष्का हम साथ में बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा आइडियल मैच ऐसा है जिनकी पावर्स हमको छीननी चाहिए. जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा बिटवीन द आइडल मैचेस यू हैव टू मेक श्योर कि जितने भी आइडल मैचेस हैं उन सबका डिसीजन यूनानिमस. यू फील कर दी काफी टाइम से लास्ट टाइम से हां यूनानिमस राइट. लास्ट टाइम कौन फ्लिप हुआ था? यू. सो यू डोंट गेट टू टेल अस कि आप जिसको निकाले याद रखना कि बाद में वो आपके फेवर में डिसीजंस ले. व्हाट टेल मी रीजन गिव मी रीजन कमिंग एंड टॉकिंग टू मी इज डिफरेंट एंड कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी योर डिसीजन इज टेलिंग यू तेरे को पूछा नहीं था. वी आर यू शाउट वी आर आई एम नॉट यस आर दी वन जो हमने पूछा था आराम से बात. आई एम नॉट यस राइट नाउ ब्रो दैट्स माय वॉइस. Okay, deal with it. Now she won't yell. Now she won't yell and now she won't be like, oh, Anushka, it's not about that. Why would I yell unnecessarily? Oh, now it's unnecessary because you are proved wrong right now. So abhi pakdi hai. Pehle yaar, mera naam nahi. So jhoot bolte hai. I'm okay. Right, my name. What are you saying? Mera itna dimag kharab hai. Kya matlab? Kya bakwas? Kya baat kar rahe ho? वो अकेले डिसीजन कैसे ले सकती है? Is it just you who reached? That's not what I'm saying. I'm not telling you to like say that. I want to know from you. I want to know. अरे मेरे बोलने से कौन सा कुछ बदल जाएगा? अरे मैं बोल रहा हूँ बदलेगा. Don't shout. Don't shout. I need a word. Take a name. कैसे बोल सकते हो? All I'm saying is a word. You're like मुझे निकाल दो और मैं बोलूँगी नहीं. Kabir, you gonna take her word and believe her? After every time she just keeps breaking her trust and switching her colors all the time. And you literally tell in front of me, you're like, I'm going to take your word. For what? Kabir sees all of this happening. He's trying to console Datta. That's what got me pissed off. Literally up there, you see she's telling me stop yelling. मैं एक तो चिल्ला भी नहीं रही थी. Okay, first thing first. She was provoking me. And I said that she's not yelling. She's not yelling. अभी बोलो से रोका है मैंने. No, fine, all of that is fine. But you're up there, you're literally telling her, you know what, Datta, I will take you for your word. मैं तुम्हारे word के लिए तुम्हें लूँगा next time. So what the? I just wanted. Kabir, this is getting to the top of my head. I know. You know I have a problem with Datta. I know. You do. I know. I'm way too maturely in this situation it's right now. It's just that I wanted her to be on our side as well. Why? Where is she gonna go? So that we have a unanimous decision. Where is she gonna go? अनुष्का अननेसेसरली एक बहुत ही इररेलेवेंट टॉपिक सामने लेकर आ गई जो था कि आरुषि दत्ता पूरे टाइम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है. Don't talk to me like that. No, don't, you were no, I was trying to explain. First of all, don't talk to me like that. No, I am, because this is not the first time. No, don't talk to me like that. This is not the first time. I was just trying to reason out. Yeah, then don't. Come on. Don't talk to me like that. What? विला का माहौल बहुत गर्म हो गया था लेकिन रात बहुत हो गई थी. सो आई गॉट फ्रेश यूज माई एक्ने स्टार और फिर हम सब सोने चले गए. टुडे व्हेन आई वोक अप बहुत ही ज्यादा ये मामला डाइसी था कि किसका नाम आने वाला है. एंड हमें स्क्रॉल मिला कि जो भी आइडियल मैचेस हैं उन्हें एक मौका मिलेगा डेट पे जाने का. डेट पे शगुन के साथ जाना पड़ेगा. पहले तो मुझे हंसी आती तो बेटा आप जाओ संयुक्ता के पास वहां मैं आपकी कोई जरूरत नहीं है. तो मैं अपने जाके चुपचाप अपने रूम में रेस्ट करूंगी. तो जब सबके सब रेडी हो रहे थे तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी. तो रोहन ने बोला कोई बात नहीं इनको जाए तो डेट पे वील हैव अ सेपरेट डेट ब्रेकफास्ट इन बेड. मेनू इश्क तेरा ले नो हां इश्क तेरा ले. आई वांटेड टू किस योर आई डू हु किसेस एन आई श्रू इश्क तेरा ले. आई थिंक हमारी डेट तो क्यूटेस्ट थी. अंशुमन के साथ ये मेरी फर्स्ट डेट थी और मैं हमेशा से चाहती थी कि हमें डेट का मौका मिले. ओ सोनी तेरा मेरा साथी यूं ही रहना. यू नो हर थोड़ी देर में मुझे आई क्रेव फॉर पप्पीज.
इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा ते मैं यारा नु मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नु मनावा। हमारा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग था ही, और ज्यादा क्लोज आए। मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। पीपल से दैट आई एम अ वेरी पॉजिटिव गाय, बट अ लॉट ऑफ जो पॉजिटिविटी आती है वो तुमसे आती है, तुम्हारी स्माइल से आती है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि तुम हमेशा मेरे आसपास ही रहो और हमेशा स्माइल करती रहो। जो हक थी अंशुमन के साथ, वो मोमेंट्स आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। आई विश फ्यूचर में भी ऐसे और डेट्स मिले हमें। अनुष्का एंड मेरी कल रात को थोड़ी सी लड़ाई भी हुई थी, एंड मैं चाहता था यू नो उसके लिए कुछ स्पेशल करना जिससे चीजें हमारे बीच में थोड़ी ठीक हो। थैंक यू। आई थॉट दत्ता वाज आल्सो गोना बी हियर फॉर अ सेकंड। व्हाई व्हाई डिड यू थिंक दैट? नो, हर्ष इज ऑलवेज देयर। आरुषि दत्ता मुझसे हमेशा फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, उनको उस चीज से प्रॉब्लम है। Have I ever like I am the one who sticks to her? Yeah, you do. You literally when she comes and she sits next to you, you're just there. Like even the other day I told you, you were literally like. She comes and sits next to me. I don't. And what about the part where you're just like holding her like that? I was just like a friendly hug, like on the shoulder, not There's holding the waist. There's a difference between friendship, especially when you know that the other person feels for you. There's no reason that you should be mad you at me, honestly. What do you mean? There's no reason I should be Because mad at you. Because I've never given you one. I've never done anything. I am seeing things. She comes, she outrightly flirts with you. You laugh it off. I laugh it off because yeah, it doesn't mean it anything to But me. But then you don't seriously tell her that Datta, you need to stop doing I'll tell this. Her. I'll tell her. You need to stop. You are waiting for me to come and tell you this. Are you But that insensible? I'm not insensible. Yes, it's just I've are. Never responded to her. Isn't you that have, enough that's for you? That's basically you leading should her Should I like on. Tell her she tried I'm to flirt with me? I'm not saying ask her to... But आप decent उसको बोल सकते हो दत्ता enough is enough, you need to stop doing I'll do her. That. No, you don't do because that. I never really thought you'd have a problem with her flirting with me because I've never responded to her. Really? Oh, yeah. You're fine. Till a certain point, you're okay with somebody being flirting with your man or whatever it is. But after, जब वो thin line नहीं होता ना, उसके बाद it kind of irritates you. I'm what a zen now. I'm gonna keep my calm no, all. No. Time. Not about us then, it's just that I have never responded to her. I will conclude this by saying this. You do whatever you want, let her flirt, let her act like a devdas or whatever it is behind my back. If you guys do it on my face, You I'm guys, gonna, don't say you I'm guys, because I haven't done shit, okay? Whatever it is. I've never done anything. Jo bhi aapka bond hai, I've never responded to her flirting with me. With that I have no bond with her. My bond is with you. You need back. To understand that. I don't want to understand. मैं कोशिश कर रहा था समझाने की, बट अनुष्का उस टाइम पे एक अलग ही फ्रेम ऑफ माइंड में थी, तो वो नहीं समझ पा रही थी। फर्स्ट डेट थी हमारी साथ में, थोड़ी सी लास्ट नाइट एक हमारा झगड़ा हो गया था, और वो कहीं ना कहीं उसी बात को लेके अपसेट थी। तो यहाँ पे मेरे क्लोज और कोई नहीं है, तुम सबसे ज्यादा क्लोज हो। तुम्हारे सबसे ज्यादा क्लोज, तो फिर आई शुड बी देयर ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट। यू आर। हंसी बन गए हाँ नमी। पर थोड़ा सा तुम्हारा नेचर है, तुम अग्री करोगी ना गुस्सा आ जाता है तुम्हें। मैं वो गुस्सा कंट्रोल भी करती हूँ फॉर यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। यू डोंट डू दैट। ऐसा लग रहा था कि मैं और क्लोज जा रहा हूँ और यू नो फील कर रहा हूँ उसके बारे में। तुम नाराज मत होना मुझसे फिर दोबारा। मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, जो भी है दिल में वो मेरे को बता दो। ऐसे अलग होना I don't like it actually. Last night was really tough for me. It was a cute date. अच्छा था, उन्होंने मनाया मुझे। ठीक है। Finally, she kissed me. That was special, you know. It was a beautiful moment actually. Thank you.
I really wanted to capture this moment, so हमने B612 app use किया और ढेर सारे selfies लिए. And we ended our date on a good note. मैंने एक गाना आपके लिए prepare किया है. जो सोल रीजन था वो उनको मनाने का था बिकॉज आई जेन्युइनली वांटेड थिंग्स बिटवीन अस टू बी फाइन. तेरे बिना मैं जीने लगा हूँ, पहले से ज्यादा उड़ने लगा हूँ, जाने में कैसे आ तेरा हुआ हूँ. मुझे तो लगता है मैं शायद तेरी दिल की दुआ हूँ. I like the part where he sang songs for me, so that was the best part, so I really liked it. When I was singing, she was just looking at me and smiling the entire time. She was basically blushing a lot. ये हमारे लिए opportunity थी एक दूसरे से मिलकर बात करने के लिए. मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ. आरुषि दत्ता जो है वो मुझसे हमेशा फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं. मैं उसको कोई इस बात से प्रॉब्लम है. मैं आरुषि से अपने टर्म्स कम कर दूंगा. सो आरुषि, द थिंग इज आई नो दैट यू हैव फीलिंग्स फॉर मी एंड यू लाइक मी एंड वट एवर दैट यू डू यू ट्राई टू फ्लर्ट विद मी इज यू नो कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिटवीन अस. सो आई वॉन्ट यू टू स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज यू नो आई मीन It's literally causing a lot of problems. So, ma'am. You were saying that it's just me who tries to talk to you. Don't talk to me. मेरा thing होता क्या है, you know, मैंने बहुत देर तक maturely handle किया इसको. हम लोग joke उड़ाते हैं तेरा कि you know she's trying to flirt and everything. I don't try and flirt. I just normally talk to him like no, I talk to everybody else. No, we are hugging और तू हम लोग साथ में होते तो room में आ जाती है. We're not gonna. It's a joking way, but there's a limit to everything you do. And I'm like, what? Are you serious? Of course I like him और मैंने कभी भी ये बात किसी से छुपाई नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस करती हूँ. मुझे अपनी लिमिट्स बहुत अच्छे से पता है. But I've told you that you're sticking to him too much. I'm not sticking to you. You are, भाई तेरा मेरे में eye contact होता है जब भी तू उसके साथ चिपक के जाके बैठती है. मैं चिपक के क्यों बैठती हूँ? मैं चिपक के नहीं बैठती हूँ. अगर मैं बैठी हूँ उस दिन भी डिनर पे. I will request you one thing. अपना देवदास मोड बंद कर दे. इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने मेरे ऊपर लगाया. I was really pissed. Splits Villains, welcome to Oppo MTV Splits Villa 11. Powered by Denver Deodorant, Aloe Fruit Juice, Manforce, Vega Hairstyling Appliances, Beauty Partner Lotus Makeup, and Celebration Wear Partner Maniver. Happily ever after? Or never after. हो क्या रहा है बिला में? Everything is good. Anushka, why are you smiling? No, I mean closeness and everything is fine, but I think Datta knows where she crosses a line sometimes. There's a certain Devdas mode that switches when Kabir and I are chilling together, which is unnecessary. मुझे लगता है कभी-कभी. And उनको मुझे लगता है genuine problem होता है. उनके face पे दिख के आता है when Kabir and I are say a bit intimate or we're just chilling. It's pretty evident on her face, so. And like the whole villa knows that she likes Kabir a lot. And I respect that, that's fine. But what's the problem if I like Kabir? I'm open about it, I've spoken about it. Which is that I do like him, that's okay, I guess. Okay, which is why I said I respect that, but there's a thin line jo aapko draw karna padega. I don't think there's any line which I've crossed. Yes, you have. अगर कबीर मेरे साथ खड़े हैं और मेरे साथ बात करें तो that is a personal choice. खड़ा होकर बात करना okay, when Kabir and I are chilling in the room, आप पहले घुसते क्या बोलते हो? Every time you enter. अगर if you are please answer that question. If you are in the room and I enter. I'm like, okay, yeah, guys, stop your PDA and stuff. And that's not how that's you say a it. That's a joke. That's Anushka, not how you understand say jokes. It. Don't take everything. I have been very mature about this. I'm kabhi sorry, bhi you iske bare mein kuch bola you aapko. Maine kabhi if you bhi would kuch have bola been mature, you would have understood that hum log dost hain. It's okay, I did. It's fine. So you're going to accept that like her flirting is very natural? No, I mean, at times it gets a little over.
But the thing is, sir, I've never responded to her. Her flirting or anything, I just laugh it off. That's all I've ever done. अनुष्का के सोने के बाद तुम अपनी मेरे कमरे में आते हो फिर तुम्हें लगता है कि मैं ओवर द बोर्ड जाके फ्लर्ट कर रही हूँ. मत करो बात, मत आओ मुझसे मिलने, मत खड़े हो मेरे साथ. लेकिन नहीं, वो सब चीज़ें उसको करनी है, मुझसे बात भी करनी है, मेरे साथ खड़ा भी होना है, सब कुछ करना है. लेकिन जहाँ उसकी मैडम आके बोल दे, डंडा मार दे उसकी, भाई नहीं, नहीं करनी, वहाँ उसकी चार हो जाती है. Don't change yourself, कभी. I'm not changing myself. That's what I'll say. अनुष्का के बिना जब आप बात करते हो आप कोई और होते हो, उसके सामने आप कोई और होते हो. ऐसा कुछ भी नहीं. ऐसा है. ऐसा कुछ भी नहीं. I'm always myself. In the end conclusion सिर्फ यही है. मैंने इनको बता दिया कि ये जो मेरे से फ्लर्ट करती है ना करें. Because if अगर अनुष्का कोई प्रॉब्लम होती, definitely even I have a problem. I really like care about her and I respect whatever. Who do you have feelings for? Anushka, obviously. Not Arushi. No, I have feelings for Anushka. कल के सेशन में सनी जो भी जीता था उनको हमने बोला था कि उनको एक स्पेशल पावर मिलेगी. Here's the thing, जिसको भी आप चैलेंज करोगे वो आइडियल मैच, अगर वो फर्स्ट नहीं आए तो उनके आइडियल मैच की सारी पावर्स चली जाएगी. Right. So, Kabir, Myra, आपका डिसीजन क्या है? अंदर ही अंदर आई वाज लाइक, भगवान प्लीज ये मेरा नाम ना ले. सो हमारा डिसीजन अंशुमन और रोशनी है. अभी तो घुटने, हाथ पैर सब छिलवा के हम आइडियल मैच बने, एक दिन नहीं हुआ. इस बार स्प्लिट सेला ने ठान रखी है कि अंशुमन रोशनी को करके ही भेजेंगे. ऑलराइट, आज के टेस्ट शो बॉन्ड चैलेंज का नाम है दिल देके देखो. Brought to you by Denver Deodorants, the scent of my success. मुझे ये परफॉर्म करने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि हांडा ने मेरा दिल ले लिया था बिना पूछे और मैंने समयुक्ता को दिल दे दिया था बिना पूछे. Myra, Shruti and Roshni, step back, turn around, leave. वहीं पर टाटा बाय बाय कर दिया, जाओ. ना हमें बताया कि क्या होने वाला है चैलेंज में, कि क्या करना है हमें. चैलेंज में लड़कों को लड़कियों को ढूंढना है. So today you have to collect as many hearts as you can because you're going to use that to find your love. वो हार्ट्स आप दो जगह कलेक्ट कर सकते हैं. एक है ग्रिड और दूसरा है द हैंगिंग ब्रिज. ग्रिड पे एक पॉइंट पे तीन रस्सियां हैं. आप तीनों उन रस्सियों से बंधे होंगे. आपको उस ग्रिड से निकलना है फॉलोइंग द रोप एंड देन गो टू द नेक्स्ट स्टेज जो कि हैंगिंग ब्रिज है. जब आप हैंगिंग ब्रिज क्रॉस कर रहे होंगे आपके अपोजिंग लोग ब्रिज के सामने खड़े होंगे और उनके हाथ में एक पेंडुलम किस्म का वेपन होगा जिसको आपकी तरफ फेंकेंगे क्योंकि अगर वो आपको लगा यू माइट फॉल ऑफ द ब्रिज. अगर आप एंड तक पहुंचेंगे वहां पर तीन अलग अलग दरवाजे हैं. तीनों दरवाजों के पीछे आपकी तीन जो कनेक्शंस हैं या पार्टनर्स हैं वो खड़ी हैं. अगर आपको सिर्फ उनका लिप्स का इंप्रेशन देखना है, आपको ऐसा लगता है कि उसको देखकर ही आप जान सकते हैं योर गर्ल कौन से दरवाजे के पीछे, यू कैन गो फॉर इट. उसके लिए आपको चाहिए होंगे 5 हार्ट्स. लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ लिप के मार्क से शायद नहीं पता लगेगा, यू कैन गो फॉर द अदर ऑप्शन व्हिच इज 10 हार्ट्स. 10 हार्ट्स से आपको आपकी कनेक्शन का लड़की का वेस्ट साइज पता लगेगा. देयर आर टू रियली इंटरेस्टिंग वंस जिसके लिए आपको 15-15 हार्ट्स देने पड़ेंगे. वन इज अ फुटप्रिंट एंड द अदर इज द हैंड प्रिंट. अगर आपने कोई भी क्लू लेकर गेस किया कि ये मेरी कनेक्शन है और वो सही निकला सबसे पहले किया, आप जीत जाएंगे. लेकिन अगर वो आपकी कनेक्शन नहीं निकली एंड दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट, वो लड़की जिसके साथ ये कर रही है वो और वो जो भी लड़का कहीं पर भी हो वो जीत जाएंगे. चैलेंज में एक पार्ट ये भी था कि अगर कोई बंदा अपने कनेक्शन का दरवाजा नहीं खोलता है और अगर गलत दरवाजा खोलता है, जिस भी बंदी का दरवाजा खोलेगा वो लड़की और उसका पार्टनर फर्स्ट आ जाएंगे. Excited? Yes, sir. Yes, sir. जब आप शुरू करेंगे, to help you succeed in this challenge, there are some Denver deodorants. Make sure that you spray yourself, ताकि आपको success आसानी से मिल जाए. Wear your harnesses and get ready. इस चैलेंज में रोहन, श्रुति एंड अंशुमन रोशनी को काफी एडवांटेज थी बिकॉज वो अपने पार्टनर्स के साथ परफॉर्म कर रहे थे.
वैसे तो मैं अपना दिल दे ही चुका हूँ रोशनी को, पर आज बारी थी दिल वापस से रोशनी को दे के हम दोनों की पावर्स को वापस लाने की। हम तीनों लड़कियाँ क्लूलेस थी क्योंकि हमें चैलेंज भी एक्सप्लेन नहीं किया था। वी वर जस्ट स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर आवर गाइस टू प्ले एंड फाइंड अस। ओके 3 2 1 गो। चल 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 शाबाश अंशु। अंशुमन और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट सेम था एंड हम दोनों को सेम लूप में से निकलना था जो एक साथ निकलना पॉसिबल नहीं था। फॉलो द रोप, मेक श्योर आप अपने कैराबिना को अपने साथ ऊपर लेके जा रहे हो। वन कबीर, यू आर डूइंग प्रीटी नाइस। सो आई थॉट इट वाज ओनली फेयर कि मैंने उनकी आइडियल मैच की पावर्स ली हैं तो उनको एक बेनिफिट देना चाहिए मुझे कि उनको पहले जाने दूं मैं लूप से। लेट्स गो रोहन, सारे ले ले, कम ऑन। आराम से रोहन। अंशु नीचे दिल है, अंशु नीचे दिल। कम ऑन, वेल डन अंशुमन। डोंट फॉरगेट टू टेक योर हार्ट। लेट्स गो गाइस। Don't forget to collect the heart. जितनी बार मैं और रोहन साथ में परफॉर्म कर रहे होते हैं, you know, एक टशन होता ही है कि इसको तो मैं जीतने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। चल अंशु आराम, अभी आराम से। अंशु तो हार्ड, अंशु हार्ड। कभी या दैट स्क्वायर यू हैव टू गो। ये ऐसे गोल 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 बीच से ग्रिड से निकले, बिल्कुल बंदर की तरह लग रहे थे, एक दूसरे पे चढ़े जा रहे, कभी फंस रहे हैं। जब मैं ग्रेड से निकल रहा था कंफ्यूजन थोड़ी बहुत हुई थी। इनिशियली एक लूप था जहाँ पर आकर मैं अटक गया था। कबीर यू हैव टू गो थ्रू दैट स्क्वायर, नीचे वाला स्क्वायर। हम तो यारो बीच बिचाले लटक गए। कभी नीचे से जाना। ओ हम तो यारो बीच बिचाले लटक गए। कबीर यू हैव टू गो थ्रू दैट स्क्वायर, उसके नीचे वाला। बीच बिचाले लटक गए। कौन कबीर, कहाँ फंसा हुआ है? सर वो एक लूप था बस, वो वहाँ फंस गया था। अंशु पैर निकाल, पैर निकाल। अंशु तो हार्ट, अंशु हार्ट, अंशु हार्ट। अंशु देख देख के। कम ऑन अंशु, क्या कर रहा है? अपने आप को गांठ में बांध रहा है अंशु। व्हाट आर यू डूइंग? फॉलो इट। मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं जिस रोप से जहां से आया था मैं बीच में वहीं से वापस जाने लग गया। इसके नीचे से जा। सर इसके नीचे से। व्हाट आर यू डूइंग? Aww, he's so stuck. Come on, Shabash, chal, chal, chal. Come on, come on. Be stuck where he started. अंशुमन ऐसा अटका कि मतलब वो निकल ही नहीं पाया, उसको रस्सियों में ऐसा उलझ गया, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ से निकले। अंशु परेशान मत, आराम से कर। Take all of them in your way. Come on, now. अबे ऐसा था कि रोप्स और ग्रिड के बीच में बहुत कम जगह थी। So I was not able to figure out कि मैं निकलूं कैसे। चल अंशु। Come on, Anshu. चल अंशु, देख के। अंशुमन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और वो बहुत ही फनी लग रहा था। लगता है ये कुदरत की गलती। सी ना किधर, इसके नीचे जाना है, इधर से इसके नीचे जाना। हाँ, तो उसको फॉलो करना, इसको अपने साथ साथ लेके जाओ वरना मर जाएगा तू। गोल गोल घूमे जा रहा था और बहुत तरस आ रहा था मुझ पे क्योंकि वो कर नहीं पा रहा था। या 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 अंशु आराम से यार। कम ऑन अंशु, कम ऑन। शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहा है रो, लेट्स गो। देखते ही देखते रोहन ऐसे निकला उस ग्रिड के अंदर जैसे पता नहीं उसने पहले ही सारे मतलब मैथमेटिक्स करके पूरा फिगर आउट कर लिया था कि उसको कैसे निकलना है। Any hearts anywhere? Rohan, you're on top. You can take as many hearts as you want from wherever. Rohan, take everything. बहुत बढ़िया रोहन। जो नीचे गिरे वो आप जब नीचे पहुंचोगे आप उठा सकते हो। चल अंशु, चल जो जो दिख रहा है ले 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 ले। Grab the heart, grab the heart. Grab some heart, grab some heart. Grab the heart, grab the heart. Well done, Rohan. Good job, Kabir. Very good, Anshu. Now you're getting it. बहुत सारे points ऐसे थे जब मैं और रोहन like आमने सामने भी थे। Anshu, follow the rope. Come on, Anshu. मैं उसको जितनी बार देखता हूँ ना मुझे बस वो पसंद ही नहीं आता। So every time I see him मुझे इतना ज़्यादा competition feel होता है और मुझे मन करता कि नहीं ये नहीं जीत सकता यार, मुझसे नहीं जीत सकता। उसको देख के मुझे और जोश आया था। अंशुमन आराम से, फंस रहे हो तुम हर जगह, तुम्हारे पैर पैर फंस रहे हैं। Be clear of all the rope. जो रस्सी है उससे बच के, बाकी रस्सी उससे बचकर
Almost done, Rohan. Collect all the hearts you can. Almost done. किसी और का नाम मुझे एक बार भी सुनाई नहीं दिया. मैं अंदर अंदर बहुत खुश हो रही हूँ. रोहन बहुत अच्छा कर रहा है. Better. Rohan was so quick. I was like, आज रोहन फर्स्ट आ जाएगा, सेफ हो जाएगा. अंशुमन रोशनी की पावर्स गई. There he goes. The question is, are people gonna hit him with the red ball? Guys, I love her. उसने बोला कि गाइज आई लव हर एंड इतना प्यारा लगा. इट वॉज लाइक सो क्यूट बिकॉज ही एक्चुअली डज लव हर. देख के सारे लिखे जाए, सारे लिखे. आराम से रोहन, बी केयरफुल, बी केयरफुल. मैंने बोला था सिम्बा को कि प्लीज मत मारना, बट मोनल का पता नहीं क्या था, मोनल ने मारा उसको. लेट्स गो, लेट्स गो. Come on, Rohan. Let's go, Rohan. Inside. Oh. First, how many do you want to give? 10. Okay, give it to Sana. Initially, I gave her 10 hearts to see the waist size. Okay, take the clue from here. Or three. There are three clues, so take all three. But you know which one is which. You can only take this clue, one at a time. Now put it back in the envelope. पहले मैंने तीनों चेक किए. I measured it to a triangle. मुझे नहीं पता चला. I wasn't sure. I wasn't 100% sure. Total इस game में सिर्फ तीन guesses है. If you guess the wrong one, then you're in trouble as well. तो मुझे सही वाला guess ही करना था. If I get it wrong, can I use my hearts too? You can use your hearts to guess again to get another clue. मुझे लगता था कि हर वक्त वो श्रुति को बाहों में लेके रहता है. इतना तो पता होगा उसको कि उसका वेस्ट साइज क्या है. गुड जॉब कबीर. गो गो. नाइस कबीर, नाइस कबीर. ऑलराइट, गुड टू गो. बी केयरफुल विद द बॉल्स नाउ हियर. अंशु आजा बाबू, जल्दी आजा, नीचे आजा. आई वाज लाइक अंशुमन, आज तेरी पावर्स की लग गई, तो सबसे लास्ट में है. ओके गो गाइस, गो. ब्रिज क्रॉस करने की जब बारी है, मैंने देखा कि बॉल जो है एक सर्टेन हाइट पर है, तो अगर मैं क्रॉल करके जाता हूँ ब्रिज से, तो मुझे कोई भी बॉल लग नहीं पाएगी. तो मैं फटाफट क्रॉल करते हुए जल्दी से निकल गया ब्रिज से एंड सीधा तीनों दरवाजों के सामने पहुंच गया जहाँ रोहन ऑलरेडी थे. मैंने तीनों के निकाले. I looked at the lips. Come on, Rohan. Keep your calm, bro. Doing great. Now, for some reason, मैं काफी sure था कि तीसरा वाला door श्रुति ही है. This one. The first one. You have to open it. Open it. I got there. I opened the door. I saw Roshni. I wasn't happy to see Roshni at all. All the Roshni in front of my eyes just disappeared. I was a bit pissed off. Anshuman, you won! Anshuman, you won! Don't worry, you won! Roshni won! Anshuman won! Meri manzilo ko jaati hai. Tere naam ki koi. बिना परफॉर्म किए मैं फर्स्ट आ गया. मेरी पावर कहीं नहीं गई. मैं अभी भी आइडियल मैच हूं. रोहन यू कैन कीप ट्राइंग, गो फॉर सेकंड. रोहन यू कैन कीप ट्राइंग. रोहन गो फॉर द सेकंड डोर. फुटप्रिंट, फुटप्रिंट. हाउ आई पुट इन 15 टोकन. व्हाट डू आई डू नाउ? व्हाट डू आई डू? ओके, दैट्स व्हाट आई बीन आस्किंग. कैन आई ट्राई अगेन? यस. व्हिच वन डू यू वांट? फुटप्रिंट. फुटप्रिंट ही इज गॉन फॉर ऑलरेडी, बट यू कैन आल्सो सी हियर. 15. आई वाज वेरी क्लियर इन माय इंटेंशन. मायरा का जो पैर है वो बहुत छोटा साइज का होगा, तो मैंने फुटप्रिंट ही देखने हैं. दे दो बार. क्या मायरा? आप कभी भी वेरी केयरफुल बिफोर यू मेक योर डिसीजन. मायरा, दिस वन? या व्हिच वन? दिस वन. ओपन द डोर.
गधे पंथी के अंदर उसने वही दरवाजा खोल दिया जो खाली था एंड आई वाज लाइक व्हाट द स्विट्जरलैंड में सब एक दूसरे को बेवकूफी और डमनेस का एक टारगेट सेट करके देते हैं आज कबीर ने उसको क्रॉस कर दिया उस टाइम पे इतनी हड़बड़ी थी कि दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था तभी it was still very unclear and then I'm like okay it has to be the middle door Shruti Shruti go ahead open it open it and he banged the door like anything maine kaha bhai what was that Second is Myra, because Rohan opened Myra. मैं ये चैलेंज हार गया था, श्रुति हार गई थी. It was just not our day. I was disheartened कि हम नहीं जीते. I was very worried. अभी देखा जाएगा कि डोम में क्या होता है. What an amazing challenge. Yes sir. Hello. Yes sir. Very good. Congratulations. You're number one. Thank you, sir. Thanks to Rohan, इतना hard work करने के लिए और इतनी मेहनत से perform करने के लिए, thanks यार, thanks brother, love you. And you're number two. Thank you. और आज के जो हमारे first and second हैं, उनको क्या मिलने वाला है, Sunny? You get presents from Denver Deodorant. Thank you. That's for you guys. Thank you. संयुक्ता सिम्बा एंड मोनल यहाँ पे ऑन सेफ जोन में आगे खड़े हो जाइए इट्स बेसिकली यू सी एवरीबडी इज एन एक्स ऑफ समबडी हियर मोनल इज एन एक्स ऑफ सिम्बा संयुक्ता इज एन एक्स ऑफ सिम्बा सिम्बा इज एन एक्स ऑफ मायरा तो जरूरत कभी भी पड़ सकती है बिकॉज एक्स इज नो यू सो वेल Anyways, आपकी लाइफ को और भी आसान करने के लिए और Splitsvilla में टू ऑफ यू आई गोना सी योर एक्सेस टुडे राइट नाउ आई वाज लाइक ओके कौन सा एक्स आ रहा है किसका एक्स आ रहा है एक्स 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 एंड दे विल बी पार्ट ऑफ Splitsvilla वाइल्ड कार्ड्स मैं दूर से ऐसे देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई मेरा जानने बचाने वाला तो नहीं आ गया या मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं आ रही है वन बॉय वन गर्ल गौरव मैं इतनी खुश हुई मैं आई वॉज शाउटिंग मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे इंडिया तक आवाज़ चली हुई है मैं इतनी तेज तेज चिल्ला रही हूँ गौरव जी जी हमें दूर से दिख रहा था हमारा बहुत करीबी दोस्त गौरव मेरा एक्स कभी महक कबीर का मुंह देखने लायक था कबीर वाज लाइक होली शिट दैट्स महक आई विल टेल जो एक्सेस थे एक थे संयुक्ता के एक्स वाह एक बार जोरदार तालियां मन तो कर रहा था दो तालियां बजाऊं पर उनका मुंह बीच में रखकर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड इस शो में वापस आ गई एंड पास्ट में ऐसा काफी बार हो चुका है कि मैं और महक जब भी मिलते थे हम एक दूसरे के साथ वापस हो जाते थे अब धमाका होने वाला है अब वी विल जस्ट वेट एंड वॉच एंड एंजॉय